टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। नवादा में नीतीश सरकार व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ राजद विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी विधायक ने प्रशासन के खिलाफ निशाना साधा। प्रशासन के खिलाफ आरजेडी विधायक समर्थन के साथ मां हरणालय के पास धरना पर बैठे हैं। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश दिखाया है। आरजेडी विधायक विभा देवी और राजौली विधायक प्रकाश वीर गरीबों के निवाला निगलने वाले प्रशासन के खिलाफ आरोप लगाकर धरना पर बैठे हैं। यह अनिश्चितकालीन धरना है। जो 50 लाख रुपया किसी और आदमी को पास जा रहा है, उसके भी बदले गरीब आदमी के काहे हक मार रहा है। गरीब आदमी को जो 4 किलो मिलना है, 5 किलो मिलना चाहिए, 4 किलो क्यों मिल रहा है? अधिकारी लोग के नहीं पता है, सब पता है। तो क्या इसे धरना दे, आप सरकार को जगाने की कोशिश करें ना, ऐसे अधिकारी पे कार्रवाई तो दे ही रहा है, लेकिन अधिकारी लोग नहीं दे। जन वितरण प्रणाली और अन्य विभागों जिला का जो है अनियमितता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो सरकार निर्धारित किया है पर यूनिट 5 की। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने इन दिनों नालंदा जिले के बिहार बदलो यात्रा पर हैं। लगातार पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में घूम घूम कर जनसभा को जनसंवाद कर रहे हैं। रविवार को भी मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा क्षेत्र नूरसराय के कई गांव में जनसभा का जनसंवाद किया है। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महागठबंधन सिर्फ नाम का महागठबंधन रह गया है। बात क्या हुआ था 9 महीने के बाद, क्या हुआ था जी? हटा दिए थे कि नहीं हटा दिए थे? अरे वो जो कहते हैं वो उसको कर पाएंगे क्या? 2020 में किसके वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे? एनडीए के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। एनडीए ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी से हट करके चले गए आरजेडी में। अब आरजेडी में कह रहे हैं उनको, तेजस्वी जी को, कि 2025 में हमारा नेतृत्व करेगा। अब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है तय ही नहीं है, तो बताइए कौन भरोसा करेगा? तो जीतन राम माही जी भरोसा करेंगे तो डूबेंगे। अमित शाह। खबर बिहार के बाढ़ से, जहां भूत प्रेत पर बिजली चोरी का आरोप लगाया गया है। बता दें कि विद्युत विभाग की टीम की छापेमारी के दौरान मृतक व्यक्ति पर बिजली चोरी की घटना स्थल से फरार होने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद उस पर FIR भी दर्ज कराया गया। हालांकि पुलिस की जांच के बाद फर्जीवाड़ा का सच उजागर हो गया है, जिसके बाद इस दावे को पुलिस ने फर्जी बताया। साथ ही कहा कि ग्रामीणों द्वारा गलत जानकारी दिए जाने के विभाग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें जो कंज्यूमर नंबर है जो मीटर से हम लोग देखते हैं, तो गांव में जाने के बाद लोग जो है मतलब नाम बताने से ये पता नहीं है कौन है क्या है, लोग बताना भी नहीं चाहते हैं और लोग जनरली बताते भी नहीं हैं। तो हम लोग मीटर नंबर से देख करके जिनके नाम से इशू किया गया है, जिनके परिसर में वो मीटर लगाया गया है, इस पर हम लोग तैयार करते हैं। सर, इसका मतलब ये हुआ कि जांच पड़ताल नहीं होती? ऐसा है जो कहीं बिजली बिल बहुत ज़्यादा है, माने उसका अगर वो कंज्यूमर है तो उसका 2 साल में ही 15,000, 25,000, 30,000 का आ रहा है। इस टाइप का फॉल्स बिल का भी है। और दूसरा क्या है कि बैठे बैठे बंद कमरे में वो लोग अपना जो है तो बैठ करके बना देते हैं कि भाई फलाना आ गए हम रेड करने के लिए, वो फरार हो गया। सपोज कीजिए कि जो व्यक्ति आज अटनामा में है, ये व्यक्ति लगभग 6 साल पहले मरा और आज इस पर ये आरोप लग रहा है कि हम रेड करने गए, ये फरार हो गया। कैसे हम चोरी से चलाते हैं? जब न तब कहा चोरी से हम नहीं बिल चलाते हैं, लेकिन हमको बिल तुम निकाल के नहीं देता है। हाँ। तो कहता है नहीं तुम चोरी से चलाते हैं। हाँ। वही हम अपना कागज दिखाई है जब बिल तहसील ने आते हैं जिसको। तो किसके नाम पर था कागज? धर्मवीर प्रसाद। कौन है धर्मवीर प्रसाद? पति हमारा। तो क्या जीवित है? नहीं, गुजरना 7 साल हो गया, 15 में गुजरे हैं। 15 में गुजरे हैं, उसके बाद उस पर केस कर दिया। हाँ, उसमें कागज में भी हम तो पढ़ा नहीं है, जैसे पढ़ाए तो कहे कि 3 बजे। खबर भागलपुर से है, जहां पुलिस जिला
नवगछिया अंतर्गत नारायणपुरे प्रखंड स्थित भवानीपुर ओपीडी थाना क्षेत्र के नारायणपुर NH31 पर तीन ट्रकों की आपस में भिड़ंत टक्कर हो गई है। इसके साथ एक युवक की मौत भी हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आनंद फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए PSC नारायणपुर में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही भवानीपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटवाया। मैं पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम मोहम्मद बोलू। कहाँ घर हुआ? कहाँ से आ रहा था? बिहार शरीफ। कहाँ जा रहा था? मालदा। क्या लोड था ट्रक में? हाँ। कैसे ये दुर्घटना हुई? कैसे हुआ? आंख बंद हो गया, क्या हुआ? खबर भागलपुर से, जहां न्यू पुलिस लाइन में तैनात होमगार्ड के ट्रैक्टर चोरी का मामला सामने आया। होमगार्ड का कहना है कि नवगछिया माँ धर्मकांटा के पास वो नमक लोड करने गया था और किसी अपराधी ने उसके ड्राइवर को डराया, धमकाया और उससे ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। साथ ही होमगार्ड का कहना है कि किसी फर्जी दरोगा द्वारा उसको डराया धमकाया गया है। फिलहाल होमगार्ड ने पूरे मामले की शिकायत SP से कर दी है। करीबन 10:07 पर मुझे मेरे मोबाइल में फ़ोन आया रघुवंश यादव का। उन्होंने कहता है कि आपसे बड़ा बाबू बात करेंगे, तो बड़ा बाबू को दे दिया। और कौन फर्जी तरीका से बड़ा बाबू बन के मुझसे बात करने लगा, बोलता रघुवंश यादव को पहचानते हैं, नवादा का है। तो वो बोला कि जो बड़ा बाबू बात करेंगे, अब कौन बड़ा बाबू थे नहीं थे वो हमसे बात करने लगे, हमको कहने लगे काहन तुम। मामला भागलपुर का है, जहां ट्रेन से वापस लौट रहे युवक की लोकल ट्रेन से लॉटरी के क्रम में विक्रमशिला आलाकमान लाइन होटल के पास ट्रेन से गिरकर युवक की मौत हो गई है, जिसे आनंद फानन में GRPF ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। खबर हाजीपुर से, जहां SP सिंगला कंपनी के बेस कैंप में आग लग गई है। आग लगने के बाद एक के एक करके 12 ऑक्सीजन सिलेंडर फटने का धमाका सुनने के बाद आसपास के ग्रामीणों का जमाव वहां पे हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग पर काबू पाने में जुट गई है। वेल्डिंग करने के क्रम में कुछ स्पार्किंग हुआ होगा, तार पकड़ा होगा, फिर वहीं से विस्फोट करना शुरू हुआ होगा। अभी तक ही था। कितनी दमकली की गाड़ी लग गई अभी तक हमारी पटना से 2 वाटर बाउजर आ चुका है। यहाँ पर लगभग 7 गाड़ियाँ काम कर रही है। आग पर कब तक क्या उम्मीद लगा? लगभग हम लोग कंट्रोल कर चुके हैं, अभी हमको कंट्रोल करने की जरूरत। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। पहुँचेंगे हम वहाँ जहाँ हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। Prime TV, सच साहस और सरोकार के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर मोतिहारी से है, जहां खेत में एक महिला के करंट की चपेट में आ जाने से महिला की मौत हो गई। साथ ही महिला को बचाने गई महिला भी बुरी तरह से झुलस गई है। वहीं आनंद फानन में ग्रामीणों ने दोनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बेबी देवी को मृत घोषित किया। वहीं प्रभा देवी का इलाज जारी है। बता दें कि मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई। उसको पकड़ा मैं हमारी मम्मी, तो उसी में करंट था, उसी में लग के मर गया, दर पे मम्मी मर गई। अच्छा, तो मम्मी के साथ कौन कौन थी? एक पारभा हमारी दीदी थी। मम्मी काहे के लिए गई थी उधर? घास भूसा के लिए। वो वापस आ रही थी? हाँ, वापस घास करके वापस आ रही थी, तब पकड़ी तब बाद धनी दौड़ के अलीसा 10-15 गो लड़का ओके बाद देता है एगो लाश गिर रहे एगो रोवत रहे तो उठा के ले गए अलीसा। कहाँ ले गया? गए थे हॉस्पिटल। उसके बाद तो था डॉक्टर जवाब दे दिल के आदमी नहीं थे तो लेके दूरा पर चले ली। आई एक आदमी के इलाज चलाई था, एक आदमी के इलाज चलाई था। आई माका दोनों साथ में आई थी, तो हमसे आगे उसने गया, बस उसको करंट लग। हमने सोचा कि डेली रख के उसके खींच लेते, लेकिन हमारे भी हाथ उसी में सट गए, तो हमको तो थोड़ा सा लगा था बच। लेकिन आप बचाने का प्रयास किए? बहुत घींचे, नहीं घींचाया हमसे। माका का खेत किसका है? वो मोहन पटेल, मोहन राय की, राय का है। सभी तरह से घेर लिया था, चारों बगल से घेर। मोतिहारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पानीपत से दरभंगा जा रही शराब की खेप को पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर सुपाल और शिवहर जिला के बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने बस के साथ 3 मोबाइल और फास्टैग को कब्जे में ले लिया है। बता दें कि पुलिस बस की डिग्गी में रखे 260 बोतलें विदेशी शराब की बरामद कराई गई हैं। दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध भिक्षुओं का दल कड़ी सुरक्षा के बीच पैदल नालंदा पहुंचा, जहां पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि सांगवोल सोसाइटी द्वारा आयोजित इस पैदल यात्रा के दौरान बौद्ध भिक्षु नालंदा के बौद्ध स्थलों का परिभ्रमण किया, संस्कृति का प्रसार करने व शांति का संदेश को फैलाने को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। किलोमीटर की यात्रा तय करके ये राजगीर पहुंचे। राजगीर पहुंचते ही इन्होंने सबसे पहले गृद्धकूट पर्वत, जो कि एक बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट है, वहाँ पे इन्होंने पूजा अर्चना करी। उसके बाद दूसरा वेनुवन है, वहाँ पे भी इन्होंने पूजा किया, और उसके बाद ये होटल आ गए। इस शहर में राजगीर में होटल्स अवेलेबल हैं। भारत कोरिया से क्या संबंध? देखिए, भारत और दक्षिण कोरिया का संबंध बहुत अच्छा है। खबर नालंदा से, जहां बेल तोड़ने पेड़ पर चढ़ा किशोर करंट की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही किशोर की मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस घटना के संदर्भ में किशोर के परिजनों ने जानकारी दी। उसमें बच्चा खेलने के लिए चढ़ गया बेल को तोड़ने के लिए, उसमें करंट लगा, गिर गया नीचे। बच्चा कौन है आपके? बच्चा मेरा भतीजा, उनका भतीजा हुआ मेरा भाई लगता है, गांव का है हम लोग। क्या नाम है बच्चा का? बच्चा का नाम साहिल कुमार। आपका नाम? पंकज कुमार। ये कहां घटना हुआ है? घटना हुआ है बिरजू मिल की। खबर सहरसा से है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कार सहित भारी मात्रा में करोक्स के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले को लेकर सदर थाना अध्यक्ष सुधाकर कुमार ने मामले में जानकारी दी। बता दें आपको कि पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया है। खबर बिहार के सहरसा से है, जहां पटना एसटीएफ की टीम ने नगर परिषद क्षेत्र के भटाटोला बटावा मोहल्ले में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। छापामारी के दौरान पता चला कि फैक्ट्री अवैध ढंग से संचालित की जा रही थी, जिसकी जानकारी मिलते ही एसटीएफ की टीम ने फैक्ट्री संचालक महबूब आलम और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हथियार और हथियार बनाने में उपयोग किए जाने वाले ड्रिल मशीन भी बरामद कर ली गई।
खबर सहरसा से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी के दौरान युवक के घर से पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा हथियार बनाने में उपयोग किए जाने वाले हैंड ड्रिल मशीन, हैंड ग्रेनेड मशीन एवं पिस्टल का मैगजीन बनाने का एक फार्मा सहित भारी मात्रा में हथियार बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद चारों को बख्तियारपुर थाना लाया गया है, जहां प्रेस वार्ता के दौरान सिमरी बख्तियारपुर डीएसपी इम्तियाज अहमद ने मिनी गन फैक्ट्री उद्भेदन मामले का खुलासा करते हुए जानकारी दी। बख्तियारपुर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त छापेमारी बख्तियारपुर थाना अवस्थित भट्टा टोला में महबूब आलम पिता अजीम आलम के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया और इसमें ढेर सारे पूर्ण रूप से निर्मित पिस्टल और अर्ध निर्मित पिस्टल बरामद किया गया। इसके अलावा मिनी गन फैक्ट्री में यूज़ किए जाने वाले बहुत सारे यंत्र बरामद किए गए। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके संचालक कौन से? मुख्य रूप से संचालक जिनके मकान में ये काम। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां एक पेट्रोल टैंक सड़क के किनारे पलट गई। वहीं हादसे में देख लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि टैंक में पेट्रोल लोड था और जब टैंक दुर्घटनाग्रस्त हुई तो पेट्रोल ज़मीन पर गिरने लगा और देखते ही देखते लोगों ने पेट्रोल लूटना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। वहीं सूचना के बाद बोचहा थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त करने कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। फिलहाल बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।